केवड़ी इलाके में रियल मार्केटिंग की गोदाम पर चोरी का मामला प्रकाश में आया है। गोदाम के काउंटर में 1,18,000 रुपए रखे हुए थे, जो चोरी हो गए। पीड़ित संचालक जिम्मी पटेल की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दफ्तर में काम करने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने चोरी कर आपस में रकम बांटने की बात स्वीकार की है। गंसारण सवारी चौक के पास टिम्बर मार्केट के एरिया में जो है एक दुकान में चोरी हुई थी, और उसमें जो है आरोपी को पकड़ लिया गया है और कुछ राशि बरामद कर ली है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। ग्वालियर के जीवाली